अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने एक हार्ड पेपर के ऊपर पेटल जो है वो कट कर लिया, जिसकी विड्थ और लेंथ जो है 1.5 इंच है। ऊपर से राउंड कर दिया, नीचे से इसकी जो है वो विड्थ जो है 1 इंच है। अब फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया और इसको जो है पिंस लगा लिए ताकि ये हिले ना। इसके ऊपर अब जो है इस पेटल के पैटर्न को रख के जो है हमने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग कर लिए, आप इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और साइड से जो है थोड़े थोड़े फासले पे इसको कट कर देना है और कट्स लगा के इसको जो है किसी पेंसिल या किसी चीज़ की मदद से इसको सीधा कर लेना है। ये हमारी पेटल रेडी हो गई है। अब इसी तरह हमने 5 पेटल्स रेडी कर लिए हैं। अब हमने एक नीडल लिया जिसमें हमने धागा डाल दिया और लास्ट से हमने नॉट लगा दिया। अब हमने पेटल के अंदर से इस तरीके से गुजारना है और इसको ऊपर से घुमा के और इसको 2-3 दफ़ा घुमा के तो इसके ऊपर जो है हमने इसको पक्का कर लेना है। ये हमारी जो है पेटल रेडी हो गई है। इसी तरह हमने बाकी भी पेटल्स को रेडी कर लेना है। अब जो हमने सेंटर में बटन लगाना है तो उसके लिए मैंने एक दूसरे कलर का फैब्रिक लिया है और इसके लिए हमने बटन बनाना है। तो ये बटन का जो है ऑलमोस्ट 1.25 इंच का बटन है और इसके लिए मैंने 1.5 डायमीटर का एक सर्कल जो है वो फैब्रिक पर कट कर लेना है। तरीके से कट कर लिया। अब जो है हमें पॉलिएस्टर चाहिए जो हमने अंदर फिलिंग करनी है और पहले जो हम इसके साइडों पे जो है वो नीडल की मदद से इस तरीके से जो है अंदर से थ्रेड गुजार लेंगे। ये गुजार लिया। अब हम जो है पॉलिएस्टर या कॉटन की जो है वो फिलिंग करेंगे और फिर बटन को ऊपर रखेंगे और इसको खींच देंगे। खींच के टाइटली खींचना और जो है इसको बाद में पक्का कर देना बैक साइड से 2-3 दफ़ा गुजार के इस पे से सुई तो पक्का कर देना। ये बटन रेडी हो गया। अब जो है हमने फ्लावर बनाना है तो इस सारी पेटल्स को जो है हमने इस तरीके से 1 बाय 1 जो है इसमें से धागा गुजारना है। पहले जो है वो 2 गुजारनी है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, फिर से इनको तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, ये 2 पेटल्स जो है वो हमारी जुड़ गई है सही तरीके से। अब जो है हम 3rd पेटल को लेंगे, पहले उसमें से 1 दफ़ा नीडल गुजारेंगे और फिर उसको जो है वो 2nd वाले के साथ दोबारा जोड़ के जो है फिर से उसमें से गुजार लेंगे। इसी तरीके से जो है हम बाकियों को भी जोड़ लेंगे। ये 4th पेटल है। और अब जो लास्ट 5th पेटल है, पहले जो है 5th वाले को 4th के साथ अटैच करेंगे और फिर जो है इसको 1st वाले के साथ अटैच करके इसको टाइटली खींच लेना है और 1-2 दफ़ा इसके अंदर से धागा गुजार के तो बैक साइड से पक्का कर देना है। और अब जो है वो हमने बटन लगाना है इस तरीके से, 2-3 दफ़ा बटन के अंदर से भी हमने थ्रेड को गुजार के तो बैक साइड से जो है ना थ्रेड को पक्का कर देना। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।